हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। आज हम बात करेंगे इफेक्टिव केस टेकिंग इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में केस टेकिंग किस तरह से ली जाए जो इफेक्टिव हो, जो हमें टोटेलिटी की फ्रेमिंग में हेल्प करे और साथ में मेडिसिन सिलेक्शन में हेल्प करे। बिकॉज इन होम्योपैथी इवन एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन केस टेकिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। इफ यू आर गोइंग टू टेक केस, इफ यू आर गोइंग टू टेक हिस्ट्री ऑफ योर पेशेंट, यू आर गोइंग टू फ्रेम अ टोटैलिटी ऑफ योर पेशेंट, यू नीड इफेक्टिवनेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर पेशेंट सिकनेस एंड टू रूल आउट करेक्ट रेमेडी, राइट। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, केस टेकिंग जो होता है, इसको एक भाषा को हम क्लियर कर लेते हैं। केस हम पेशेंट को बोलते हैं, टेकिंग मतलब लेना, टेक मीन्स लेना, तो केस को लेना। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है उसके केसेस को, उसकी हिस्ट्री को लेना, उसकी सिकनेस को समझना केस टेकिंग कहलाती है। जैसे कोई पेशेंट अगर फीवर के साथ आया है तो वो अपनी कंप्लेन को जो नरेट करेगा हमें बताएगा और हम उसको जिस तरीके से नोट डाउन करेंगे या जिस तरह से हम उसकी हिस्ट्री को लेंगे, ये कहलाता है केस टेकिंग, ठीक है। अगर आप केस टेकिंग सही तरीके से कर लेते हो, सही हिस्ट्री आप फ्रेम कर लेते हो, तो मैक्सिमम हम बहुत क्लोज हो जाते हैं मेडिसिन के। और जो हमारे टूल हैं, तीन टूल हैं जो हमें इसमें हेल्प करते हैं हिस्ट्री लेने के बाद। फर्स्ट इज ऑर्गनन, क्योंकि वो हमें फिलॉसफी, लॉज, तरीके बताता है किस तरह से हमें जाना है। एंड सेकेंड वन इज रेपेट्री, रेपेट्री जो हमें बताता है कि जो भी हिस्ट्री आपने पेशेंट की ली है उसको किस तरह से हमें किस भाषा में कन्वर्ट करके निकालना है, जो कि रेमेडी के साथ प्रेजेंट होता है ना, तो वो भी बहुत मोस्ट सिमिलियम कह सकते हैं आप, आपको गाइड करता है। एंड थर्ड वन इज मटेरिया मेडिका। तो इफेक्टिव केस टेकिंग के लिए आज हम बात करेंगे इन शॉर्ट, तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने लास्ट सेशन में भी आपसे बात करी थी कि जब भी कोई केस हमारे सामने आता है फ्रेंड्स, हमें तीन चीजों पर स्पेशली ध्यान रखना है। एक तो ये ध्यान रखना है, कोई भी केस हमें हरी में नहीं लेना है। इन होम्योपैथी अगर आप किसी भी केस को टाइम नहीं देते हो तो मैक्सिमम फेलियर के चांसेस है। दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ अवर पैथी कि अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आपका फेलियर होगा। ड्रॉबैक मीन्स कि आपने जो पढ़ा है अगर आप उसको अप्लाई ही नहीं करोगे तो रिजल्ट तो मिलने से रहा, राइट। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉप है जो इनिशियली ही हमें पता होना चाहिए और अब तक हमें पता नहीं था। बट कोई बात नहीं, जब भी हम शुरुआत करें, जहां से हम सीख लें वही हमारी बिगनिंग या शुरुआत कहलाती है। तो जो स्टूडेंट है, प्रैक्टिशनर है, हु आर डूइंग होम्योपैथिक प्रैक्टिस, आपने सबसे पहले ध्यान रखना कि हरी में कभी केस मत लेना फ्रेंड्स। हम हमेशा फेल हो जाते हैं, क्योंकि एक जो सेकंड पॉइंट मैं रखने वाली हूँ वो मैं बताती हूँ। सेकंड पॉइंट इज बायासनेस। जब भी हमारी स्टडीज स्टार्ट होती है, जब भी हमारा फर्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट हो जाता है, हमें मेडिसिन के बारे में पता चलता है और एक पिक्चर फ्रेमिंग की हैबिट होती है, क्योंकि हम बात करते हैं टू नो योर रेमेडी, टू अंडरस्टैंड योर रेमेडी, तो एक पर्सनैलिटी की बात करते हैं। लाइक आई एम हियर, तो मैं एक कौन सी पर्सनैलिटी हूँ। कई सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो मुझे रूल आउट करेंगे, आप पल्सिटिला हो, आप सीपिया हो, क्योंकि उन्होंने उतना ही पढ़ रखा है एंड दे लर्न की एक पर्सनैलिटी होती है जो मेडिसिन को गाइड करती है। तो अनबायासनेस जो है और बायासनेस, इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप कोई केस ले रहे हो एकदम ब्लैंक हो जाओ कि आपको कोई रेमेडी अगर माइंड पे आ भी रही है कि हाँ ये इसका सिम्टम है, क्योंकि कई बार ना की सिम्टम भी मिलते हैं, गाइडिंग सिम्टम मिलते हैं, उनके थ्रू हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो उन्हें भी हमें छोड़ना नहीं है, है ना। वो भी एक तरीका, ऐसा नहीं कि हम केस टेकिंग की सिर्फ रश करने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो गाइडिंग या कीनोट सिम्टम हमारे सामने आए हम उसको छोड़ दें, ऐसा भी तो नहीं कर सकते। बट इसके अलावा भी कई बार हमारी माइंड में कई सारी रेमेडीज रश करने लगती है, आने लगती है, क्राउड करती है, भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है ना, ये मेडिसिन हो सकती है, तो आप ये हैबिट छोड़ दो। अगर ऐसा होता है तो मैंने भी देखा है, इनिशियली मेरी प्रैक्टिस में बहुत सारे फेलियर देखने मिलते थे। तो आपने क्या करना है कि अगर कोई मेडिसिन लग रही है की वर्ड के साथ या जो भी गाइडिंग सिम्टम आपको मिला है उसके साथ आपको लग रहा है, तो आप साइड में उसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे हम उसको जब रेपेट्राइज करेंगे तो रूल आउट करने में हमें हेल्प मिल सकती है कि हाँ ये सिम्टम इस रेमेडी के साथ जा रहा है। तो दूसरा कि बायासनेस के साथ नहीं करना है, ये सोच के नहीं करना है कि ये पेशेंट तो इस रेमेडी का है ना, एकदम ब्लैंक माइंड के साथ करना है कि जो भी सिम्टम आए हैं उनको कलेक्ट किया है, उनको रूब्रिक में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करने के बाद हमने रेमेडी निकाली है, चाहे वो सिंगल सिम्टम हो, इस तरह की हैबिट हमें डाल लेनी है। तो ये इफेक्टिव केस टेकिंग कहलाती है, आपको सही रास्ते में लेके जा रही है। हो सकता है कि आज आपका क्योर ना हो, बट आगे आने वाले समय में आपको का जो क्योर रेशियो है वो ज्यादा ही होगा।
एंड नाउ थर्ड वन इज सिंगल सिम्टम पे जो सिम्टम प्रिस्क्रिप्शन की आदत है उसे भी छोड़ दीजिए. किसी ने बोला मुझे कॉन्स्टिपेशन है, किसी ने बोला मुझे हेडेक है, किसी ने बोला मुझे बेल्चिंग हो रही है या मुझे मेरा पेट फूल रहा है. एक जो हमारी हैबिट है कि भाई कॉन्स्टिपेशन है नक्स दे देंगे, पेट फूल रहा है चाइना दे देंगे. तो सिंगल सिम्टम पे जो प्रिस्क्राइब करने की आदत है, हमेशा रेडलाइन सिम्टम तो हर पेशेंट में हमें मिलेंगे ही नहीं, तो जो रेडलाइन सिम्टम है या कीनोट सिम्टम है वो हमें फ्यू पेशेंट्स में ही मिलेंगे, हर पेशेंट में नहीं मिलेगा. बट वी मेक अवर हैबिट कि हाँ इस तरह से जाना है, तो मेनली क्या हो जाता है फेलियर सामने आ जाते हैं. तो अभी अगर हम इफेक्टिव केस टेकिंग चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पर अपनी इस एरर को भी सुधारना पड़ेगा एंड हमें बहुत पेशेंटफुली केस लेकर के ही, प्रॉपर पूरी हिस्ट्री लेकर के ही देन आगे बढ़ना पड़ेगा टुवर्ड्स रेपर्टराइजेशन और मेडिसिन सिलेक्शन. तो जब आप इन तीनों प्रोसेस के थ्रू जाते हो इनिशियली शुरुआत से ही, तो एक अच्छा कमांड बन जाता है, एक अच्छी मेथड आने लग जाती है ओवर रेपर्टरी, ओवर केस टेकिंग, ओवर मेडिकेशन, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, कि आपको मतलब रॉन्ग होने के चांसेस जो शुरू में ज्यादा थे कि फेलियर ज्यादा होगा, अभी आपका रेशियो किस चीज का ज्यादा हो गया है मेडिसिन सिलेक्शन का, कि आपके सक्सेस रेशियो ज्यादा है क्योर भी ज्यादा होगा. इस तरह से अगर आप चलते हो तो आपका जो केस टेकिंग है वो काफी काफी इफेक्टिव रहेगा और आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा नेक्स्ट रेमेडी सिलेक्शन में. सो दिस इज फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मेरे यूट्यूब चैनल की भी मैंने लिंक नीचे शेयर कर दी है, आप वहां पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर लर्निंग, मोर केसेस और रेमेडी. थैंक यू सो मच.